क्लास टेन मैथ्स चैप्टर एट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.3 न्यू बुक एक्सरसाइज 8.4 ओल्ड बुक से क्वेश्चन नंबर 4 या 5 का फर्स्ट क्वेश्चन निम्न सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। बेटा ये बराबर ये या ये बराबर ये हमें करना होता है, ठीक है। यहां पर हम ज्यादातर लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उन्हीं में चेंजेस कर राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आते हैं, समझ गए बेटा। तो मैं यहां लिखूंगा कि एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड में यही है ना, इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। बेटा हमें 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा में इसे चेंज करना है। सबसे पहले हम इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, उससे और बड़ा हो जाएगा ये। तो हम इसे इजी करने के लिए अभी बांध दे फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं। कॉसेक उल्टा होता है बेटा साइन का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस जो हमारा कॉट होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है। तो मैं लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे बेटा, जो है माइनस कर रहा है तो माइनस कर देंगे। साइन थीटा एलसीएम आ गया हमारा, साइन थीटा के बाड़े में साइन थीटा एक बार में तो एक ऊपर चला गया, माइनस साइन थीटा के बाड़े में साइन थीटा एक बार में तो आपके पास में कॉस थीटा हो, ठीक है बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाले को अलग से स्क्वायर और इसको अलग से स्क्वायर कर रहा हूं, कर सकता हूं ना, ऊपर नीचे स्क्वायर है पूरा, तो पूरा स्क्वायर हो रहा है, यहां स्क्वायर था यहां स्क्वायर, तो अलग अलग स्क्वायर हम लिख सकते हैं। मेरे पास लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा यहां पर और यहां पर दोनों में चेंजेस है, क्यों? क्योंकि ये है ए स्क्वायर, अगर मैं इसका भी स्क्वायर लगा दूं, एक को तो कितनी भी पावर लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, दोनों अलग अलग, ठीक है। मैं यहां देखिए चेंज कर रहा हूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में मैं इसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए मैं फॉर्मूला जो लगा रहा हूं उसके बारे में भी बात कर लेता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यही तो लिखा है मैंने नीचे, ठीक है बेटा। ये मैंने अभी चेंज नहीं किया, ये मैंने चेंज नहीं किया, यहां से मैंने ये चेंज किया था तो मैं यहां लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा पूरा होल स्क्वायर लगाया हो या साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो, ये किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, समझ गए बात को। उसके बाद में आपके पास में ये और यहां हमने जोड़ा था, ये तो ठीक है ना, इतना यहां पर हमने इसको फॉर्मूले जो जो फॉर्मूले थे हमने लिख दिए। अब देखिए बेटा मैं इसको दो बार लिख रहा हूं, मैं यहां पर इसे सॉल्व कर रहा हूं, इसे मैं दो बार लिखूंगा क्योंकि पावर पूरी पावर 2 है, तो मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस थीटा 1 टाइम इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम, क्यों? क्योंकि पावर 2 है। और नीचे क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। पहुंच गए हो अपनी डेस्टिनी पर, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट हो गया, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा बचा अपॉन 1 प्लस यही प्रूफ करना था हमें। और इक्वल्स टू क्या है बेटा आर एच एस राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है बेटा। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नोट कीजिए, जय हिंद।